हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और हम लोग आज देखेंगे मेटाबोलाइट। बायोमॉलिक्यूल चल रहा है हमारा और हम लोग आज देखने वाले हैं कि मेटाबोलाइट क्या होते हैं। मेटाबोलाइट बेटा, मेटाबोलाइट भी एक प्रकार के बायोमॉलिक्यूल ही होते हैं और ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो मेटाबोलाइट क्या है बेटा? है तो ये बायोमॉलिक्यूल ही क्या है बेटा? ये भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इज आर आल्सो द बायोमॉलिक्यूल के दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक होते हैं बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होते हैं बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। अब देखो बेटा, ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं बेटा? सभी लिविंग सेल्स में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं बेटा? फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। बेटा जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, उन लिविंग सेल्स में क्या मिलने वाले हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। क्या करते हैं बेटा? इनका इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में इनका क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैं ले लेता हूँ प्लांट में क्लोरोफिल को। देखा आपने, जैसे आप क्लोरोफिल का एग्जाम्पल है, लो क्लोरोफिल क्या कर रहा है? मेजर रोल है ना फोटोसिंथेसिस में। इसका मेजर रोल है क्या है बेटा? इसका मेजर रोल रोल इन फोटोसिंथेसिस है ना, मेजर। तो इनका मेजर रोल होता है मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, इनके टूटने से बनते हैं। जो प्राइमरी वाले हैं ना, तो ये किससे बनते हैं बेटा? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्राइमरी। तो ये बेटा ब्रेकडाउन से बनते हैं। दिल टूट जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, तो बनते हैं सेकेंडरी। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तो इनके ब्रेकडाउन से बनते हैं। अब बेटा जब ये इनके ब्रेकडाउन से बनते हैं तो क्या मतलब है? ये डेरिवेटिव्स हैं, कह सकते हो ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ब्रेकडाउन से बन रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? ये प्राइमरी के डेरिवेटिव्स हो जाएंगे ना। तो इसको कह सकते हो आप, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो बेटा ये क्या हो गए? ये डेरिवेटिव्स हैं और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है मेटाबॉलिज्म में। डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्या कह सकते हो बेटा? दे डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में क्या बेटा? इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, लेकिन माइनर रोल होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो मेटाबॉलिज्म कौन सा क्या काम करते हैं बेटा? तो डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं करते, लेकिन एसेसरी रोल है। क्या है बेटा इनका? एसेसरी रोल प्ले करते हैं बेटा। ये प्ले एसेसरी रोल, हेल्प करने का काम करते हैं, ठीक है। याद रहेगा इतनी चीजें बेटा। अब ये इनको सीक्रेट कौन करता है? अगर पूछा जाए ये कहां से निकलते हैं, तो दीज आर सीक्रेटेड बाय द प्लांट्स, फंगाई और कुछ माइक्रोब्स। तो ये सेकेंडरी है ना, ये सीक्रेटेड होते हैं बेटा। ये सीक्रेट्स बाय प्लांट्स है ना, फंगी एंड माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब्स, इन तीन से क्या होता है बेटा? यहाँ पर इनका सीक्रेशन मिलने वाला है आपको। एग्जाम्पल आप देख सकते हो बेटा, क्या समझ सकते हो बताओ जल्दी, कोई एग्जाम्पल बताओ। कैरोटेनॉइड्स, एक एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, कैरोटेनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स। अब कैरोटेनॉइड्स क्या है बेटा? आपको पता है नो मोर रोल इन फोटोसिंथेसिस, नो मेजर रोल है ना। आप मोर रोल तो नहीं कह सकते, लेकिन मेजर, नो मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन एसेसरी रोल है, हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन मेजर रोल नहीं है। ये इनका क्या है बेटा? क्या मेजर रोल है इन फोटोसिंथेसिस में? मेजर रोल, नो मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो बताओ मेटाबॉलिज्म क्लियर? क्लियर। देखो बेटा, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वैसे मैक्सिमम के जो है ना रोल, वो अननोन है। बहुत कम हैं जिनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रोल अपन को पता हो, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में मैक्सिमम के रोल हैं वो बेटा क्या है? अननोन है, पता नहीं है। प्लांट्स हो, जैसे टॉक्सिन्स,
प्लांट्स वैसे टॉक्सिन्स हैं, जैसे जैसे टॉक्सिन्स जैसी चीजें जैसे या ड्रग्स, ठीक है, ये चीजें क्यों बनाते हैं, ठीक है, ताकि क्या करें बेटा, ताकि हर्बीवोर उनको ना खाएं। एक रूल पता हो गया ना, अगर प्लांट्स कोई टॉक्सिन बना रहा है, कोई ऐसी चीज बना रहा है जो टॉक्सिक है नेचर, तो वो क्यों बना रहे, क्योंकि प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि हर्बीवोर क्या करे, उन प्लांट्स को नहीं खा जाए, मतलब अपने डिफेंस के लिए बना रहा है। तो प्लांट्स टॉक्सिन जैसी चीजें या ड्रग्स जैसी चीजें क्यों बनाते हैं, एक ही बात याद रखिएगा, वो अपने डिफेंस के लिए बनाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, जल्दी बताओ। जैसे एंथ्रोसाइनिन की बात करो, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन क्या करता है, फ्लावर को कलर देने का काम करता है, ताकि इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकें। तो ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, पता लग रहा है अपन को कि एंथ्रोसाइनिन क्या कर रहा, ठीक है, तो एंथ्रोसाइनिन क्या कर रहा, फ्लावर को कलर देने का काम कर रहा है, और कलर होगा तो वो इंसेक्ट क्या करेंगे, वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम के फंक्शंस हमको अभी नहीं पता है। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया, चलो उसको देखते हैं, समझते हैं उस टेबल को, इसको साफ करते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी की जो टेबल है, अगर उस पर अगर आप फोकस कर रहे हो, तो यहां पर तीन चीजें अपन ने याद करनी है। एक तब उन्होंने पहली बात की बेटा पिगमेंट्स की, पिगमेंट्स एक टेबल में, एक तरफ उन्होंने लिखा पिगमेंट्स, एक तरफ लिखा एल्केलॉइड्स, पिगमेंट्स है ना, एल्केलॉइड्स, और जो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर उन्होंने दिया है ड्रग्स। अब ये तीन है ना, ये जो एनसीईआरटी की टेबल है बेटा, और इस टेबल को आपको याद रखना है। पिगमेंट्स जैसे मैंने बताया था, एंथ्रोसाइनिन याद है ना, कैरोटीनॉइड्स, तो आप एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन या फिर कैरोटीनॉइड्स, ये आप अपने सामने एनसीईआरटी रखे होंगे, आप एनसीईआरटी में वहां पर इसको देख सकते हैं। जैसे आप एल्केलॉइड्स देख सकते हो, एल्केलॉइड्स में मॉर्फीन्स, कोडीन है ना, मॉर्फीन बनाते हैं, मॉर्फीन्स, कोडीन है ना, एएमसी याद करके रख सकते हो आप, एएमसी, ए से एल्केलॉइड, एम से मॉर्फीन, सी से कोडीन, ड्रग्स, ठीक है, जैसे बेनाविलास्टिन एक आपके में दिया गया है, वी से विनाविलास्टिन, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है विनाविलास्टिन, या करक्यूमिन, करक्यूमिन, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो वहां पर आप देखना टर्पिनॉइड्स एक और टेबल में दिया गया है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, उन्होंने दिया है बेटा टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स। अब जो टर्पिनॉइड्स में जो उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, वो कहते हैं मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन है ना, तो ये टर्पिनॉइड्स भी दो दिए उन्होंने, ये वो मोनो हो सकते हैं या फिर डाइटर्पीन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या दिए, कुछ एसेंशियल ऑयल दिए, जैसे लेमन ग्रास ऑयल है ना, एसेंशियल ऑयल एक कैटेगरी उन्होंने वहां पर बनाई है आपके लिए, एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल में क्या है आपकी बुक में दिया गया है बेटा लेमन ग्रास ऑयल, तो आप यहां से लेमन ग्रास ऑयल को आप याद कर सकते हो। पॉलीमर्स रबर गम सेलुलोज है ना, पॉलीमर्स की एक दी गई है बेटा, तो आप पॉलीमर कौन कौन से हो सकते हैं पॉलीमर्स में है ना, जैसे गम सेलुलोज, सेलुलोज इज आल्सो द पॉलीमर, रेजिन, ठीक है, तो ये पॉलीमर्स की दी गई है। इसी प्रकार कुछ टॉक्सिन की दी गई, जैसे एबरिन या राइसिन, टॉक्सिन्स की भी दी गई है यहां पर, अगर हम टॉक्सिन्स करें, ठीक है, तो वहां पर एबरिन, राइसिन, ठीक है, टॉक्सिन्स के एग्जाम्पल, तो ये थोड़े से अपन को याद रखना है। इसी प्रकार एक वहां पर दिया है लैक्टिन है ना, तो कैनकैनावैलेनेट, तो वहां लैक्टिन्स आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये चीजें आपको वहां पर याद करने की जरूरत है, वहां पर इसको याद करना ही आपको पड़ेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए,
हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर आप कहेंगे तो कि जैसे कि सर सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे कि सर जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होना चाहिए था, क्योंकि वो क्या है, वो तो सेलुलोज है और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट ही तो है, तो सर ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाएगा। मैं फिर बात कह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हो कि आप कहोगे कि सर सेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट है तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होगा। तो सुनो ध्यान से, सेलुलोज थोड़ी ही मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है। क्या सेलुलोज मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करता है? नहीं करता, वो तो सेल वॉल का हिस्सा है, बस इसलिए सेलुलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको बस इतना याद रखना है कि सेलुलोज मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो सपोर्ट करता ना तो फिर क्या हो जाता, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाता, वो तो सिर्फ सेल वॉल का एक हिस्सा एक पार्ट है, इसलिए सेलुलोज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। ठीक है, लास्ट ईयर आप देखेंगे 2022 में क्वेश्चन आया था इसी टेबल से। ठीक है, इस टेबल से 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको अच्छे से याद कर ले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट की। चलिए इसको थोड़ा ब्लैक पेन ले लेते हैं, हम लोग समझेंगे कार्बोहाइड्रेट को। चलिए अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या बेटा, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आखिर है क्या बेटा, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा कार्बोहाइड्रेट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें जो फूड से जो भी एनर्जी मिलती है उसका 55-60% कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है मेन सोर्स एनर्जी। और जो हमें फूड से जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी का जो भी सोर्स होता ना, तो एनर्जी फ्रॉम जो फूड होती ना, एनर्जी बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, ठीक है, इज 55-60% इज ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है अपन को 50-60%। तो आपको तो पता ही होगा कि रिस्पिरेशन में सबसे पहले कौन टूटता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में जो सबसे पहला जो ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर लिपिड टूटता है, फिर प्रोटीन। तो रेस्पिरेशन में ब्रेकअप देखते हैं जो बेटा, रेस्पिरेशन में जो ब्रेक होता है ना, वो ब्रेक होता है, वो फर्स्टली क्या ब्रेक होता है, जो फर्स्टली ब्रेक होता है ना नंबर वन पे, वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, फिर लिपिड्स ब्रेक होते हैं, और थर्ड नंबर पर प्रोटीन ब्रेक होते हैं। याद रहेगा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड से, हमें जो भी एनर्जी मिल रही है उसका 50-60% कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है, और आपको पता होगा कि रिस्पिरेशन में जो भी सबसे पहले ब्रेक होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद फिर लिपिड, और फिर आपको प्रोटीन मिलेंगे। कंपाउंड्स अगर देखें, कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में किसका कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन इज CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब खास बात सुनिए, यहां पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो बेटा 2:1 होता है। वो क्या होता है बेटा, वो 2:1 होता है। और H2O में भी देखेंगे आप तो वहां पर भी रेशियो 2:1 होता है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें भी 2:1 होता है, और यहां पर कार्बोहाइड्रेट में रेशियो बेटा 2:1 होता है, इसलिए इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसी की वजह से क्या कहलाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के वो हाइड्रेट्स है, हाइड्रेट्स रूप में जाते हैं, इसलिए इसका जनरल फार्मूला अगर आपको देखेंगे तो हाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, आप देखेंगे CHH2O का होल वाई, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रेट।
किसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हाइड्रेट का। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ बेटा हाइड्रेट, ठीक है। अब यही देखेंगे आप हाइड्रेट में, तो यहां पर सी देखेंगे बेटा कार्बन है, एच टू क्या बेटा हाइड्रेट है, दिस इज द हाइड्रेट, ये क्या है बेटा हाइड्रेट है, और ये क्या है कार्बन है, इसलिए तो अपन ने बोला दिस इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बोला ना। तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जो इस फार्मूले को फॉलो भी नहीं करते, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते, इस फार्मूले के दायरे में नहीं आते, जैसे डीऑक्सीराइबोस, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, सम कार्बोहाइड्रेट्स इसके एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्सेप्शंस हैं जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट ओबे दिस फार्मूला, ठीक है, दे नॉट फॉलो द फार्मूला, ये फार्मूला को फॉलो नहीं करते। तो एग्जांपल याद रखना बेटा डीऑक्सीराइबोस, तो एक्सेप्शंस क्या हो जाएगा बेटा एग्जांपल में डीऑक्सीराइबोस। अब डीऑक्सीराइबोस को अच्छे से याद रखें, जैसे इसका फार्मूला होता है C5H10O4, C5H10O4, तो ये इसको फॉलो नहीं करता, जैसे कैसे यहां पर देख लो, अगर x और y की वैल्यू बराबर है, यहां पर x और इक्वल टू y है, अगर हम यहां पर रख दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C6 और H2O का होल 6 कर दो तो C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये क्या बन गया आपका बेटा, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज बन गया। तो ये वाला फार्मूला देखिए, यहां पर ये दोनों वैल्यू कार्बन और ऑक्सीजन की बराबर आ रही थी, लेकिन यहां पर आप देखो कार्बन 5 है और ऑक्सीजन कितने बेटा 4 है, तो यहां पर देखा जाए तो एक्स और वाई अलग अलग हैं, एक्स और वाई की वैल्यू बेटा क्या होता है बेटा अलग अलग होती है। इसी प्रकार आप रेमेनोज भी ले सकते हो, C6H12O5, ठीक है बेटा। आप इसमें क्या एग्जांपल और एक ले सकते हो बेटा रेमेनोज, आप रेमेनोज ले लो, और रेमेनोज में अपन क्या कर लेंगे कि C6H12O5। तो ये दोनों बेटा एक्सेप्शन हैं। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी वो ये फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हो सर, हाँ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है और फिर भी इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जबकि मैंने भी थोड़ी देर पहले कुछ बोला, क्या बोला, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कार्बोहाइड्रेट में जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, जैसे डीऑक्सीराइबोस और रेमेनोज। ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं वो आप कह रहे हो कि सर क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हो गया वो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, और वो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है और फिर भी इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग उसी को जानने की कोशिश करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। कुछ और एक्सेप्शंस हैं, कुछ देयर आर सम कंपाउंड्स, मैंने क्या बोला बेटा देयर आर सम कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है, जो क्या नहीं है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देयर आर सम कंपाउंड विच आर नॉट कार्बोहाइड्रेट बट दे फॉलो द फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी वो फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तो ऐसे आखिर वो कंपाउंड्स कौन से हैं। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं आपको, जैसे मान लीजिए सी की वैल्यू आप वन कर दो H2O, और एक्स की वैल्यू वन हो गई और वाई की वैल्यू भी वन कर दो, तो ये क्या बना, ये बना आपका CH2O। सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस CH2O, इसको मैं बदल के लिखता हूं, आप बताना इसको कैसे लिख सकते हैं HCHO, ये H इधर लिख दिया HCHO लिख सकते हैं, तो दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, क्या हो गया बेटा फॉर्मल्डिहाइड। तो आप जिसमें लीजिए क्या फॉर्मल्डिहाइड इसको फॉलो कर रहा है, और क्या ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, नहीं है। एक और फॉर्मूला लेते हैं,
अगर हम x की वैल्यू 2 कर दें और y की वैल्यू भी 2 कर दें तो क्या बनेगा? आप गौर करो क्या बन रहा है, देखो C2H4O2 कुछ इस तरह से बन के आया। क्या मैं इसको चेंज करूं, लिखूं इसको ऐसे ले सकते हैं CH3COOH CH3COOH क्या बना ये बन गया बेटा आपका एसिटिक एसिड। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आजकल हम इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं कहते बल्कि इन्हें क्या कहते हैं बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड क्या कहोगे, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। क्या कहोगे बेटा इनको, कहेंगे हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कहेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कहोगे। हाइड्रेट्स कार्बन कहोगे तो फिर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी तो कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? या फिर कह सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को आप क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड एक होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी में क्या बेटा एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी है ना, तो मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें और वन एल्डिहाइड, ठीक है। और ये क्या है बेटा, सिंपल एक क्या है बेटा, एक एल्डिहाइड है और वन एल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी प्रकार पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में एक कीटोन है, यहां पर एक कीटोन है और एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड में क्या है, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्यादा हो रहा है तो उसको पॉली, एक से ज्यादा को पॉली और ठीक है कीट एल्डिहाइड एक है इसलिए एल्डिहाइड एक हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, इसी प्रकार इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बात समझ में आई नहीं आई, एक डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का, बनाए। अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी HCOH ठीक है, क्या लिखा अपन ने HCOH और नीचे अपन अगर जोड़ दें यहां पर CH2OH और ऊपर अपन ने क्या जोड़ दिया CHO, तो CHO क्या हो गया बेटा, दिस इज द एल्डिहाइड, ये क्या है, यही तो एल्डिहाइड है, दिस इज द बेटा एल्डिहाइड। और बाकी आपसे देखो हाइड्रोक्सी देखो कितने ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ये हाइड्रोक्सी है ना, एक ये हाइड्रोक्सी है, तो मोर देन वन हाइड्रोक्सी, क्या हो गया बेटा यहां पर मोर देन वन हाइड्रोक्सी, बताओ यहां तक कंफर्म हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी प्रकार कीटोन को बना सकते हो आप, कीटोन का अगर ये देखना हो तो आप क्या कर दो बेटा, यहां पर CH2OH सी, ठीक है यहां तक सी लिया, सी के साथ यहां पर आपने डबल बॉन्ड डाल दिया और CH2OH, ठीक है तो क्या बन गया ये, यहां पर एक कीटोन ग्रुप है, देयर इज द वन कीटोन ग्रुप, ये क्या हो गया कीटोन ग्रुप। और देखो OH एक यहां तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, बताओ यहां तक सही, इसलिए डाईहाइड्रोक्सी इसको पूरा नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं, अगर इसका नाम कहेंगे ना डाई दो हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम होता है बेटा डाई हाइड्रोक्सी और ये कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ इसलिए बोलेंगे बेटा एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर आप इसका नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्लिसरल्डिहाइड है, सबसे छोटा एल्डिहाइड है इसका, ठीक है बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है बेटा, सबसे छोटा एल्डिहाइड ठीक है, सबसे छोटा एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट है अगर कौन, तो वो ग्लिसरल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि क्या है बेटा, सबसे छोटा एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटा एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट, बताओ यहां तक बात कंफर्म, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट।
हो गया, तो साफ करें इसको। देखो अब आप सब ये तो जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने बेटा? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से? तो मैंने बताया आपको मोनो, ठीक है, मोनो, फिर ऑलिगो एंड पॉली, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के तीन फॉर्म, आप इसको सैकेराइड्स भी लिख सकते हो, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये तीन फॉर्म में डिवाइड होते हैं। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये सभी क्या है बेटा? ये अगर हम इनकी बात करें तो क्या है बेटा ये? अब इनमें से हम दो को निकालते हैं, मोनो को और ऑलिगो को। ये दोनों क्या है बेटा? सॉल्युबल इन वाटर, ध्यान रखना, सॉल्युबल इन वाटर है। ये क्या है बेटा? ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, स्वीट इन टेस्ट है। क्या है बेटा? स्वीट इन टेस्ट है, स्वीट इन टेस्ट है। दो चीजें, सॉल्युबल इन वाटर है, स्वीट इन टेस्ट हो गए, इसलिए इनको सुगर कहते हैं, आल्सो नोन एज सुगर, आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहोगे आप? इनको अपन कहेंगे सुगर। अब पॉली की बात करो, पॉली जो पॉलीसेक्राइड्स है इसकी बात करें, ये क्या है बेटा? ये नॉन सुगर है। क्यों नॉन सुगर? क्यों है? स्वीट नहीं है टेस्ट में, सॉल्युबल नहीं है वाटर में, ठीक है। मतलब क्या है बेटा? स्वीट है क्या? ये स्वीट नहीं है। सॉल्युबल है क्या बेटा इन वाटर में? सॉल्युबल नहीं है। तो ये पॉली है। तो पॉलीसेक्राइड्स आपको इतना याद रखना है, और मोनो ऑलिव के बारे में क्या रखना है? आल्सो नोन एज सुगर, और सुगर है तो स्वीट होंगे और सॉल्युबल इन वाटर में होंगे। बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अपन को कार्बोहाइड्रेट है ना वो तीन तरह का पढ़ना है, और किस बेसिस पर पढ़ना है कि हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, इस बेसिस पर अपन देखेंगे इसको, ठीक है। देखो बच्चों, मोनोसेक्राइड्स है जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा होता है उसका हाइड्रोलिसिस तो होगा ही नहीं। क्यों उसका हाइड्रोलिसिस होगा? इससे बड़ा और क्या ब्रेक होगा, इससे मतलब इससे छोटा और क्या टूटेगा? तो मोनोसेक्राइड सबसे छोटा है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसका क्या होता बेटा? इसका हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, ये पहले से ही टूटा हुआ है, छोटा है, ये बहुत छोटा है, इसलिए इसका क्या नहीं होगा बेटा? इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है बेटा, याद रहेगा। अब ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करें, ऑलिगोसैकेराइड्स कितने से बनते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स ये 2 से 10 तक, ये 2 to 10, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स से बनते हैं। ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स से बनते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना वो 10 से ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स से बनते हैं, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड से बनते हैं। बताओ यहां तक बात कंफर्म, तीनों चीजें? तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या शुरू करेंगे हम लोग? स्टार्ट करेंगे बेटा मोनोसैकेराइड। मेरे साथ बने रहिएगा, ये जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक है मैं इतना इजी कर दूंगा आपको कि आपको समझ आएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बुक पर फोकस करिएगा, पहले यहां समझिएगा, ठीक है, ओके। तो चलो बेटा मोनोसैकेराइड शुरू करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो,